प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे। दानियल का पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 से लेकर शद्रक मेशक और अबेदनहो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सरी, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस दहकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। 18वें आयत, बट इवन इफ ही डस नॉट, लेट इट बी नोन टू यू ओ किंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू सर्व योर गॉड्स और वर्शिप द गोल्डन इमेज दैट यू हैव सेट अप। वी नो दैट आवर गॉड इज एबल टू रेस्क्यू अस फ्रॉम द फर्नेस ऑफ ब्लेजिंग fire, he will rescue us from your hand. But if he does not, पर हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमें राजा ने बनाया हुआ इस भयंकर आग की चूल्हा में से हमें बचा सकता है, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। लेकिन शत्रक मेशक अबेदनहो कहते, अगर नहीं बचाया तो भी हम राजा नबूकदनेस्सर ने बनाया हुआ सोने की मूर्ति, राजा का मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। दानियल के साथ में बंदुवाई में आया हुआ 3 जवान लोग हैं, लेकिन उन्हें दूसरे देश में होने के बावजूद भी, वहां का नियम उसके खिलाफ होने के बावजूद भी, जान चले जाने का समय आने पर भी उसने समझौता नहीं किया। उसने बोला, राजा की मूर्ति के सामने, सोने की मूर्ति के सामने हम कभी दंडवत नहीं करेंगे। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हो, हमें आग से बचाने वाला प्रभु है, हमें पता है कि परमेश्वर आग से बचाएगा। अगर नहीं बचाया तो भी हम अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरा राजा ने खड़ा किया हुआ उन बातों के पीछे हम नहीं जाएंगे। आगे हम देखते हैं 25वीं आयत में, राजा ने देखा, सारे बाबेल की अधिपतियों ने देखा, 3 लोगों को शद्रक मेशक अबेदनहो को आग में डाल दिया गया, लेकिन चौथा एक व्यक्ति को वहां पे आग में देखते, यीशु मसीह को देखते हैं, और आग की एक स्मेल भी उसके शरीर में नहीं दिखा और वो आग में से बाहर आया, जीवित परमेश्वर को प्रकट करके दिखाया कि जिस परमेश्वर को हम सेवा करते हैं वो सच्चा जिंदा परमेश्वर है। इस पीढ़ी में ऐसा अभिषेक को लेकर हम भी चले, हमारा परमेश्वर को हम प्रकट करने वाला बने कि हमारा परमेश्वर बचाने वाला, छुड़ाने वाला, असंभव को संभव करने वाला सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। God bless you, God be with you, Shalom.